नमस्ते, साहिल चौधरी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष। जैसे कि जम्मू विश्वविद्यालय में पीजी की एडमिशन शुरू हो चुकी है, लेकिन अब देखने को मिलता है कि पीजी एडमिशन में शरेआम जम्मू विश्वविद्यालय में दांदरी चल रही है, क्योंकि जम्मू विश्वविद्यालय में कोई भी मेरिट लिस्ट स्टूडेंट्स की नहीं निकाली जाती है। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पे अपनी एडमिशन का देख सकता है। आप ये बताएं कि वो स्टूडेंट जो दूरदराज इलाके में रहता है, जिसने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, वो क्यों ये नहीं जान सकता कि जब उसने एडमिशन में अप्लाई किया तो उसका क्या मेरिट में क्या नंबर है? वो जम्मू विश्वविद्यालय क्यों लिस्ट को पब्लिश नहीं कर रहा? सिर्फ और सिर्फ बैकडोर एंट्री एडमिशन में करने के लिए जम्मू विश्वविद्यालय में इस तरह की धांधली की जा रही है। जब डा मैम से मिलते हैं तो वो कतई इन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं है कि जम्मू विश्वविद्यालय में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। एक और जब स्टूडेंट्स की समस्या को हम देखते हैं तो जम्मू विश्वविद्यालय में एक नोटिफिकेशन निकाली जाती है कि 6 सेमेस्टर जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया उनको जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोविजनल एडमिशन दी जाएगी, लेकिन वहीं ये वही जम्मू यूनिवर्सिटी है जो 4 सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट निकालने में फेल रही है, नाकाम रही है। जो स्टूडेंट आज से 1 साल पहले फेल हुआ था, वो आज तक उसका ना पेपर ख़त्म हुए और ना ही रिजल्ट निकाला गया है, जिससे स्टूडेंट एलिजिबल ही नहीं हो पाया जो इस एडमिशन की प्रोसेस में पार्ट ले पाए। और ये बिल्कुल धांधली है जो जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा की जा रही है। और जब हम ग्राफ देखते हैं जम्मू विश्वविद्यालय में एडमिशन्स का, तो वो हर साल गिरता जा रहा है। क्यों गिरता जा रहा है? क्योंकि इन्होंने रिजल्ट नहीं निकाले, एडमिशन में ऐसी प्रोसेस को अपनाया जिससे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता चलता कि उसका मेरिट लिस्ट में क्या रैंक रहा है। हम जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि वो जल्द से जल्द स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट निकाले। और जैसे ही प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है, जैसे एक प्रोसेस फर्स्ट रही, एक स्टेप रहा, दूसरा स्टेप रहा, वैसे ही साथ साथ में मेरिट लिस्ट निकाली जाए जिससे दूरदराज इलाके के जो स्टूडेंट हैं उनको मदद मिले, उनको ये पता चले कि उनका मेरिट लिस्ट में क्या रैंक रहा। तीसरी एक और स्टूडेंट्स को जो अभी समस्या आ रही है कि जम्मू विश्वविद्यालय में किसी स्टूडेंट्स ने एडमिशन के समय 2 कैटेगरी लगाई, किसी ने 3 लगाई और किसी ने 1 लगाई। क्या होता है कि जब जिसने कैटेगरी लगाई, जब वो पहली कैटेगरी में एडमिशन नहीं ले पाया, तब उसको 2nd कैटेगरी में भी फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई, जबकि जिस स्टूडेंट के पास सिर्फ और सिर्फ 1 कैटेगरी थी उसको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दी गई। जम्मू विश्वविद्यालय में जब हम एडमिशन्स को देखते हैं, जिस स्टूडेंट ने जम्मू यूनिवर्सिटी से 1 बार डिग्री कर ली उसको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दी जाती है एडमिशन के दौरान। और वहीं जब कैटेगरी का देखते हैं तो कैटेगरी के समय स्टूडेंट को जिसके पास 1 ही कैटेगरी है उसको भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। जल्द से जल्द जम्मू यूनिवर्सिटी रिजल्ट को निकाले, बाकी जो मेरिट लिस्ट है उसको पब्लिश करे और ऑनलाइन पोर्टल पर, जम्मू यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर पब्लिश करे, जिससे स्टूडेंट्स को पता चले उनका मेरिट लिस्ट में क्या स्थान रहा है। जी, धन्यवाद।